तो चैप्टर 9 अ न्यू यूज फॉर अ टी टेबल, चाय के मेज का एक नया इस्तेमाल। देखिए एक चाय के मेज का तो पुराना इस्तेमाल हम जानते हैं, हम उसमें चाय के कप रख कर दें चाय पीते हैं। आज इस चैप्टर के अंदर वी विल डिस्कस अबाउट अ न्यू यूज ऑफ अ टी टेबल, ठीक है। तो चाय के मेज का एक नया इस्तेमाल हम उसको डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में, ठीक है। वन डे सेप केम इन टू माई रूम, एक दिन सेप मेरे कमरे में आया। He threw me a letter saying, उसने मेरे सामने खत फेंका जिसमें और कहकर, That's for you, a woman's hand I think, but I have some news for you first. ये तुम्हारे लिए है, एक औरत की हैंड राइटिंग है शायद, लेकिन इससे पहले कि तुम ये खत पढ़ो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। What's that? क्या खबर है? The king said the castle of Zenda, said he. सेप कहता है कि बादशाह castle of Zenda में मौजूद है। How do you know? तुम कैसे जानते हो? Because the other half of Michael's six are there. चूँकि मागल के छः गुंडे में से तीन गुंडे वहीं पर हैं। I had inquiries made and they are all there. Lonengram, Craftsin and young Rupert Hensu. Three rogues, two on my honor as fine as live in Ruritania. तो मैंने inquiries करवाई हैं और वो सब के सब वहीं पर हैं। Lonengram, Craftsin और Rupert of Hensu. ये तीनों गुंडे जो Ruritania से belong करते हैं वो तीनों Castle of Zenda में बादशाह के साथ मौजूद हैं। और बाकी अगले तीन जो हैं वो यहीं पर हैं स्टल्सो में, और कल मीटिंग भी उनसे हुई है रोजेंडाइल की, डी गॉटन पर्सन एंड डी चार्ड, जो माइकल उसको फ्लेविया के महल में जिससे मिलवाया कल, ठीक है। व्हाट्स द लेटर, अच्छा ये खत क्या है? आई ओपन इट एंड रीड इट अलाउड, मैंने उसको खत को मतलब खोला और पढ़ना शुरू किया। क्या लिखा था खत में? अब इफ द किंग डिजायर्स टू नो व्हाट इट डीपली कंसर्न्स द किंग टू नो लेट हिम डू एज दिस लेटर बिड्स हिम। एट द एंड ऑफ द न्यू एवेन्यू देयर स्टैंड्स अ हाउस इन द लार्ज ग्राउंड्स। At 12 o'clock tonight, the king enters alone by that gate, enters, turns to the right and walks 20 yards. He will find a summer house, approached by a flight of 6 steps. If he mounts and enters, he will find someone who will tell him what touches more dearly his life and his throne. This is written by a faithful friend. He must be alone. If he neglects the invitation, his life will be in danger. Let him show this to no one, or he will ruin a woman who loves him. Black Michael does not pardon. ये खत में मेटेरियल है, मैं उसको ट्रांसलेट करता हूँ क्या लिखा हुआ था खत में। अगर बादशाह चाहता है उसकी ज़िंदगी के लिए सबसे अहम क्या है, तो वो ऐसा करे जो इस खत में उसको कहा गया करने के लिए। न्यू एवेन्यू के खात्मे पर, न्यू एवेन्यू जो रोड है, जैसे वो ख़त्म होगा तो बड़े मैदान में घर मौजूद है। आज रात 12 बजे अगर बादशाह अकेले गेट के अंदर से दाखिल होता है, सीधे हाथ पे मुड़ता है और 20 गज चलेगा तो उसको एक समर हाउस मिलेगा। समर हाउस एक ऊंचा घर, ऊंचा पर ऊंचाई पर जो घर बना होते हैं सीढ़ियों के साथ, उसको समर हाउस कहते हैं। नॉर्मली पार्क वगैरह के अंदर उसको बनाया जाता है, समर हाउस कहा जाता है। तो समर हाउस उसको मिलेगा, 6 स्टेप जब वो ऊपर चढ़ेगा और वो दाखिल होगा समर हाउस के अंदर, तो उसको ऐसा शख्स मिलेगा जो उसको बताएगा उसकी ज़िंदगी के लिए सबसे प्यारी चीज़ क्या है, उसके ताज के लिए सबसे अहम चीज़ क्या है। ये ख़त एक वफादार दोस्त की तरफ से लिखा जा रहा है, उसको लास्ट में अकेले आना होगा, और अगर उसने इस दावत को नज़रअंदाज किया उसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। इस खत को किसी को मत दिखाना वरना वो उस औरत को खो देगा जो उससे मोहब्बत करती है। ब्लैक माइकल किसी को माफ़ नहीं करता, ये खत का इनवान था अंदर, मतलब इस मजमून था खत का ये, कि उसको कोई शख्स बुला रहा है समर हाउस की तरफ कि आज रात 12 बजे वहाँ पर आए तो उसको बताया जाएगा बहुत अहम बातें, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उसको। ये रोजेंडाइल को बुलाया जा रहा है रात 12 बजे वहाँ पर, नहीं रियलिटी समझ के, आगे में पता लगेगा भाई खत लिखा किसने, आगे पता तो लगे पहले। Ask him what women would do most to prevent the duke from marrying his cousin and therefore most to prevent his becoming king and ask if her name begins with A. तो फिर मैं सोचता हूं, जरा सोचो कौन सी ऐसी औरत होगी जो ड्यूक माइकल को उसकी कजन से शादी करने के लिए रोकेगी और इस तरह से ड्यूक माइकल को बादशाह बनने से भी रोकेगी। और अगर मैं ये कहूँ कि उसका नाम ए से शुरू होता है, क्योंकि तो आखिरी में लेटर में ए लिखा हुआ था, तो वो कौन सी खातून है जो ये चाहेंगे कि भाई बादशाह ना बने ड्यूक माइकल और ड्यूक माइकल फ्लेविया से शादी ना करें? लेकिन ये वो खातून होंगे जो कि बादशाह से, जो ड्यूक माइकल से खुद मोहब्बत करती होंगी। और आप जानते हैं ड्यूक माइकल को पसंद करने वाली खातून का नाम ए से शुरू होता है, मैडम एंटोनिट डी मोवान, तो ये उसकी तरफ से खत लिखा गया है। और ये खत जो है वो ड्यूक माइकल के कहने पर लिखा गया है, ये ड्यूक माइकल की एक चाल है, उसने सुपारी तो दी है ना, कल की क्लास में पढ़ा था हमने, अब कहीं ना कहीं उसको टपकाने के लिए बुलाना है, तो वो मैडन वैन से खत लिखवा कर उसको बुला रहा है समर हाउस के अंदर। ये ड्यूक माइकल की तरफ से खत है।
इंटरनेट मोबान बाय हेवन आई क्राइड, मैं चिल्ला कर कहता हूँ खुदा की पनाह, ये तो इंटरनेट मोबान की तरफ से लिखा हुआ खत है। हाउ डू यू नो सेप्ट, क्या तुम कैसे जानते हो उसे? आई टोल्ड हिम व्हाट आई न्यू ऑफ द लेडी एंड हाउ आई न्यू इट, ही नोडेड। फिर मैंने उसके बताया किस तरह से मैं खातून को जानता हूँ, उसने सर हिलाया। इफ शी वुड शी कुड बी यूजफुल आई सेड, मैंने कहा मुझे लगता है कि ये औरत फायदेमंद हो सकती है मेरे लिए। आई बिलीव दो दैट माइकल रोट द लेटर, सेप्ट कहता है मुझे यकीन है ब्लैक माइकल ने खत लिखवाया उससे। सो डू आई बट आई मीन टू गो फॉर सर्टेन, आई शैल गो सेप्ट, मुझे भी ऐसे ही लगता है लेकिन मैं जाऊँगा यकीनन, मैं जाऊँगा सेप्ट। नो आई शैल गो सेडी, सेप्ट कहता नहीं तुम नहीं मैं जाऊँगा। जुम्मे गो एज फार एज द गेट्स, रजनडाइल कहता है नहीं सेप्ट तुम गेट तक जा सकते हो, गेट से आगे नहीं। आई शैल गो टू द समर हाउस, सेप्ट कहता नहीं मैं समर हाउस के अंदर तक जाऊँगा। आई डोंट बिलीव इन एनी वुमेन सेट सेप्ट एंड यू शांट गो, मुझे किसी औरत पर कोई ईमान नहीं है, मैं किसी औरत पर यकीन नहीं करता। वो मेरे क्लास के शुरू में बताता था ना माइज़ोगैमिस्ट है, औरतों पर यकीन नहीं करता, मुझे किसी औरत पर यकीन नहीं है और तुम नहीं जाओगे। आई आइदर गो टू समर हाउस और बैक टू इंग्लैंड सेड आई, मैंने अब वो धमकी देते रजन डाई, कहते या तो मैं समर हाउस जाऊँगा या मैं वापस इंग्लैंड जा रहा हूँ, तुम अपने लफड़े कुछ संभालो यहाँ, मतलब कि जो जो करना चाह रहा हूँ मुझे वो करने दो तुम, तो मैं लाजमी समर हाउस जाऊँगा, देखूंगा कि औरत क्या कहना चाहती है। सो बी इट हिज सेट विद अ साई, आखिरकार वो आ भरते हुए कहते चलो ठीक है तुम चले जाना। टू कट द शॉर्ट स्टोरी शॉर्ट, एट 11:30 दैट नाइट सेप्ट एंड आई माउंटेड आवर हॉर्सेस फ्रिट्स और अगेन लेफ्ट ऑन गार्ड। स्टोरी अगर हम शॉर्ट करें तो 11:30 उस रात सेप्ट और मैं अपने घोड़े पर बैठे, फ्रिट्स को दोबारा से कमरे की रखवाली करने के लिए छोड़ दिया गया कि कोई कमरे के अंदर ना जाए बादशाह के। इट वॉज अ वेरी डार्क नाइट, आई वोर नो सॉल्ट बट आई कैरिड अ रिवॉल्वर अलॉन्ग नाइफ एंड अ बुल्स आई लैंटर्न। बहुत तारीख रात थी, मैंने अपने साथ तलवार कोई नहीं लिया लेकिन मैंने अपने साथ एक रिवॉल्वर रखा, एक लंबी चाकू रखी और एक लालटेन मैंने अपने साथ रखा। अ लार्ज डार्क ऑब्जेक्ट लूम्ड आउट ऑफ द ग्लूम अहेड ऑफ मी। आखिरकार हम जब मैं उस जगह गया जहाँ उसने बुलाया था तो एक बड़ा तारीख सी चीज़ मेरे सामने आ गई। इट वॉज द समर हाउस, वो समर हाउस था। रीचिंग द स्टेप्स आई माउंटेड देम एंड फाउंड माई सेल्फ कॉन्फ्रंटेड बाई अ वीक रिकेटेड वुडन डोर विच, जब मैं उसके सीढ़ियों के ऊपर चढ़ा तो आखिरकार मैं सामने मौजूद था एक कमज़ोर से रिकेटी पुराने बोसीदा एक लकड़ी के दरवाजे के सामने मौजूद था। आई पुश्ड इट ओपन एंड वॉक्ड इन, मैंने उसको धक्का दिया उसको और अंदर दाखिल हो गया। अ वुमन फ्लू टू मी एंड सीज्ड माई हैंड, एक औरत फौरन से मेरे सामने आती है, मेरा हाथ पकड़ लेती है। शट द डोर शी विस्पर्ड, वो सरगोशी करते हुए कहती है कि दरवाज़ा बंद कर दो। आई ओपेड एंड टर्न द लाइट ऑन माई लैंड टर्न एंड शी वॉज इन इवनिंग ड्रेस, मैंने उसकी ताबेदारी की और मैंने गेट बंद कर दिया और मैंने लालटेन थोड़ा सा ऊपर उठाकर देखा तो वो मैडम एंटनी मोबान ही थी जो अपने इवनिंग ड्रेस में मौजूद थी। इवनिंग ड्रेस शाम का लिबास कोई उसका होगा, मतलब शाम में कुछ लिबास पहनते होंगे वो, तो शाम के लिबास में मतलब वो मौजूद थी। द समर हाउस वॉज अ बेयर लिटिल रूम फर्निश्ड ओनली विद अ कपल ऑफ चेयर्स एंड अ स्मॉल आयरन टेबल। समर हाउस एक छोटा सा कमरा था जिसमें दो चेयर्स रखे हुए थे और एक लोहे की मेज आयरन टी टेबल रखी हुई थी जिसके नाम पे ये चैप्टर है अ न्यू यूज ऑफ अ टी टेबल। ठीक है, डोंट टॉक शी सेड, बात मत कर उसने कहा, वी हैव नो टाइम, लिसन आई नो यू मिस्टर रजनडाइल, आई रोट दैट लेटर एट द ड्यूक्स ऑर्डर, हमारे पास वक्त नहीं है, सुनो मैं जानती हूँ तो मिस्टर रोडोल्फ रजनडाइल हो, तो उसको असलियत पता है ना मोबाइल की, मैंने कल भी बताया था आपको मोबाइल इसकी असलियत जानती है और वो खत मैंने ड्यूक माइकल के ऑर्डर पर लिखा है। सो आई थॉट, मैंने कहा मैंने भी ऐसे ही सोचा था, इन 20 मिनट्स 3 men विल बी हेयर टू किल यू, 20 मिनट के अंदर 3 लोग आएंगे तुम्हें मारने के लिए, वही 3 लोग जिनको सुपारी कल मिली थी। वो तीन गुंडे माइकल के। यस यू मस्ट बी गॉन बाय देन, इफ नॉट टू नाइट यू विल बी किल्ड, हाँ उससे पहले तक तुम्हें जाना होगा, तुम नहीं गए तो आज रात तुम्हें मार दिया जाएगा। वेन यू आर किल्ड योर बॉडी विल बी टेकन टू अ लो क्वार्टर ऑफ द टाउन, जब तुम्हें मार दिया जाएगा तो तुम्हारी लाश को फेंक दिया जाएगा किसी वीरान सी जगह में। द अदर 3 विल मर्डर द किंग इन द कैसल, और बाकी 3 गुंडे जो रूरिटानिया में स्टेल्सो में जेंडा में वो बादशाह को मर्डर कर देंगे, कत्ल कर देंगे। ही विल मैरी हर एंड बिकम किंग इन फैक्ट, और ड्यूक माइकल शादी कर लेगा फ्लेविया से और बादशाह बन जाएगा, तो ये प्लान है मतलब। ये रजन डाइल ना, मैं दो बात है, ये अच्छा सवाल है। तो देखो पहली बात तो ये ना कि ब्लैक माइकल ने इसको कहा था ये खत लिखकर बुलाए ताकि जो है वो ये आ जाए तो जाल में फंस जाए, बताना क्यों चाहती है, क्योंकि अगर रजन डाइल मर गया
तो वहां ड्यूक रोडोल्फ मर जाएगा और ड्यूक माइकल शादी कर लेगा फ्लेविया से, तो इस तरह से तो जब पत्ता कट जाएगा इसका मैंडेटरी वुमेन का। तो मैंडेटरी वुमेन इसलिए इसको पहले ही बता रही है कि यहाँ से तुम भाग जाओ, क्योंकि तुम भाग जाओगे तो तब तुम बादशाह रहोगे, या फिर इस तरह से बादशाह जिंदा बचा रहेगा तो ड्यूक माइकल कभी भी फ्लेविया से शादी नहीं कर पाएगा, वो मुझसे ही शादी करेगा। वो अपनी मोहब्बत की खातिर बिट्रे कर रही है, धोखा दे रही है ड्यूक माइकल को, समझ रहे हो? अपने वो धोखा दे रही है अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए। बिल्कुल आगे पता लगेगा और ऐसा हुआ भी, ठीक है, ये आगे की स्टोरी है, ठीक है। इट्स अ प्रीटी प्लॉट बट वाई मैडम डू यू, ये एक बेहतरीन मंसूबा है लेकिन मैडम आप मुझे क्यों बताना चाह रही है सब कुछ, आप मुझे क्यों बता रही है? आई एम जेलस माई गॉड, शैल आई सी ही मैरी हर नाउ गो, मैं उसमें जेलस हूँ बहुत, मतलब मैं जलती हूँ फ्लेविया से, मेरे खुदा क्या मैं देख सकती हूँ कि ड्यूक माइकल फ्लेविया से शादी करेगा? मैं ऐसा देख भी नहीं सकती। अब तुम यहाँ से जाओ, गो डाउन सॉफ्टली, गो पास द समर हाउस ऑन फॉर 100 yards एंड यू विल फाइंड अ लेडर अगेंस्ट द वॉल, गेट ओवर इट एंड फ्लाई फॉर योर लाइफ। नीचे उतरो आराम से दबे कदमों के साथ, समर हाउस के पीछे जाओगे, 100 गज चलना तुम्हें एक सीढ़ी लगे हुई मिलेगी दीवार के साथ, तो आखिरकार तुम सीढ़ी से फैलांग कर आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए भागना वहाँ से, मैं दीवार कूद के तुम भाग जाना यहाँ से। एंड यू आई आज मैंने पूछा, और आपका क्या होगा? इफ़ ही फाइंड्स आउट व्हाट आई हैव डन वी शैल नॉट मीट अगेन, मोबाइल कहती हैं अगर उसको पता लग गया कि मैंने क्या कर दिया है तो फिर शायद हम दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे। बट वट विल यू टेल हिम, लेकिन तुम उसे क्या बताओगी? दैट यू नेवर केम, दैट यू सॉ थ्रू द ट्रिक, कि तुम आए ही नहीं थे और तुम मेरा चाल समझ चुके थे, हमारे इसलिए तुम नहीं आए, मैं तो ये बता दूंगी उसको। आई टुक हर हैंड एंड किस्ड इट, मैंने उसका हाथ जो है थामा और उसे बोसा दिया। मैडम मैंने कहा, यू हैव सर्व द किंग वेल टुनाइट, आज रात आपने बादशाह की अच्छी खिदमत की है। वेयर इज ही इन द कैसल, ये बताएं जरा असली बादशाह कैसल ऑफ जेंडा में कहाँ मौजूद है? तो वो बताती है, अक्रॉस द ड्रॉब्रिज यू केम टू अ हैवी डोर बिहाइंड दैट लाइट, हार्क व्हाट्स दैट? ओके, बताती है कि ड्रॉब्रिज को क्रॉस करने के बाद एक बड़ा दरवाजा आएगा, उसी के पीछे मौजूद है, सुनो ये कैसी आवाज है? कोई आवाज आती है, देयर वर स्टेप्स आउटसाइड, बाहर कदमों की आवाज आती है, समर हाउस के बाहर। दे आर कमिंग, दे आर टू सून, हेवंस दे आर टू सून, एंड शी टर्न्ड पेल एज डेथ। वो कहती है वो आ रहे हैं जल्दी, आ गए बहुत, वो खुदा की पनाह वो बहुत जल्दी आ गए, और वो बिल्कुल पीली पड़ गए मौत की तरह, मौत तारी होगी उस पर, पीली पड़ गई, खौफ ज्यादा हो गई। मोबाइल, क्लोज योर लैंटर्न, सी दे आर सचिंग इन द डोर, कैन यू सी देम? फ्लेवर मोबाइल कहती है अपने लालटेन बंद कर दो, देखो जरा दरवाजे पर एक सुराख है, क्या तुम उससे उनको देख सकते हो? आई पुट माई आई टू द चिंक, ऑन द लोएस्ट स्टेप आई सॉ 3 dim figures, आई कॉक्ड माई रिवॉल्वर, एंटोनिट हेस्टली लेड हर हैंड ऑन माइन। मैंने अपनी आँख, मतलब गेट तो बंद था, मैंने जो है वो टूटा, मतलब है ना लकड़ी में होता है कभी सुराख होता है छोटा सा, उस सुराख से मैंने देखा सबसे नीचे 6 स्टेप थे, सबसे नीचे स्टेप में मुझे 3 लोगों की छवि दिखाई दिया, अक्स दिखाई दिया, साया दिखाई दिया 3 लोगों का। मैंने आई कॉक माई रिवॉल्वर, मैंने अपने रिवॉल्वर को कॉक किया, क्योंकि कॉक करने से बड़ा पीछे से, 2 तरह के ना, सिंगल एक्शन डबल एक्शन, 2 तरह के रिवॉल्वर होते हैं। एक रिवॉल्वर तो आज के दौर में तो ऐसा होता है कि जब वो ट्रिगर दबाते हैं तो खुद ही कॉक हो जाता है वो पीछे से, लेकिन पुराने ज़माने के रिवॉल्वर क्या होते हैं, आपको पहले कॉक करना पड़ता था लोड करने के लिए, फिर उसके बाद ट्रिगर दबानी होती थी, तो वो सिंगल एक्शन जिसको हम कहते हैं रिवॉल्वर, पुराने वक्तों में 100 साल पहले चलता था, अब तो ऑटोमेटिक होता है, खुद ही कॉक हो जाता है। तो उसने कॉक किया, मतलब ताकि वो उसको दोबारा, मतलब लोड कर दिया, मतलब एक तरह से उसने लोडिंग नहीं कहता उसको, मतलब उसको हम कॉक कहते हैं, उसने उसको कॉक किया रिवॉल्वर को। एंटनी ने जल्दी से मेरे, मतलब के जो है वो लेड हर हैंड ऑन माइन, मेरा हाथ उसने पकड़ लिया कि अभी मतलब गोली मत चलाना। यू मे किल वन सेड शी, बट व्हाट देन, उसने मुझसे कहा तुम एक को मार दोगे उसके बाद क्या होगा, मतलब वो अच्छा वो गोली भी रिवॉल्वर होता है कि एक गोली चली उसके बाद दोबारा लोड करो बैठ के उसको, तो एक को तो मार दोगे ऑटोमेटिक, कोई तो है नहीं AK-47 के ब्रेस्ट खोल दिया, तो एक को तुम मार दोगे उसके बाद तुम क्या करोगे? अ वॉइस केम फ्रॉम आउटसाइड, अ वॉइस दैट स्पोक परफेक्ट इंग्लिश, बाहर से एक आवाज़ आती है, एक आवाज़ बिल्कुल बेहतरीन इंग्लिश में, मतलब कोई इंग्लिश मैन है जो बोल रहा है, इंग्लिश मैन देखिए आपको पता है कौन है, वो टीचर है, मिस्टर रोजेंडाइल, इट सेड, आवाज़ आती है, मिस्टर रोजेंडाइल, आई मेड नो आंसर, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वी वॉन्ट टू टॉक टू यू, विल यू प्रॉमिस नॉट टू शूट टिल वी हैव डन, हम आपसे बात करना चाहते हैं, आप वादा करें कि जब तक हम बात मुकम्मल नहीं करेंगे आप गोली नहीं चलाएंगे। Have I the pleasure of addressing Mr. Dichard? I said, मैंने कहा क्या मैं मिस्टर डिचार्ड से बात कर रहा हूँ? उसको समझ में आ गया इंग्लिश इतनी अच्छी, डिचार्ड ही बोल सकता। Never mind names, नामों में क्या रखा है, बाहर से आवाज आती है।
देन लेट माइन अलोन, तो मेरा नाम भी तुम छोड़ दो, मतलब मेरा नाम रजनडाइल तुम क्यों ले रहे हो फिर, क्योंकि उसको तो माइकल के मुंडे तो सब जानते हैं रजनडाइल है। ऑल राइट सायर, आई हैव ऑफर फॉर यू, ठीक है जनाब मेरे पास आपको देने के लिए पेशकश है। आई स्टिल हैड माई आई टू द चिंक, मैंने अब तक चिंक पे मैं देख रहा था। द थ्री हैड माउंटेड टू स्टेप्स मोर, थ्री रिवॉल्वर्स पॉइंटेड फुल एट द डोर, तीनों दो स्टेप और ऊपर चढ़ गए थे सीढ़ी पर और तीनों ने रिवॉल्वर निकाली हुई थी दरवाजे की तरफ, रिवॉल्वर की निशाना था। विल यू लेट अस इन, क्या आप हमें अंदर आने देंगे, बाहर से आवाज आती है। डोंट, अच्छा डोंट ट्रस्ट देम, व्हिस्पर्ड एंटोनेट, एंटोनेट टेक आउट, भरोसा मत करना गुंडे लोग हैं, इन पे क्या भरोसा। वी कैन स्पीक थ्रू द डोर, मैंने कहा हम दीवार दरवाजे के पीछे से भी बात कर सकते हैं अगर बात करनी है तो। बट यू माइट ओपन इट एंड फायर, ऑब्जेक्टेड डिस्चार्ज, डिस्चार्ज कहते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है तुम गेट खोल कर हम पे फायर कर दो। एंड बिफोर वी शुड फिनिश यू, यू माइट फिनिश वन ऑफ अस, विल यू गिव योर ऑनर नॉट टू फायर, विल बी टॉक। और ऐसा भी हो सकता है इससे पहले कि हम तुम्हें मार दें तुम हमें से किसी एक को मार दो, क्या तुम वादा करते हो कि जब तक हमारी बात मुकम्मल नहीं हो जाएगी गोली नहीं चलाओगे। डोंट ट्रस्ट देम, व्हिस्पर्ड एंटोनी अगेन, एंटोनी ने दोबारा कहा, कोई सामने खड़ी थे ना मेरे के, भरोसा मत करो इन लोगों पर। आई गिव माय ऑनर नॉट टू फायर बिफोर यू डू सो डाई, मैंने कहा ठीक है मैं वादा करता हूँ जब तक आप गोली नहीं चलेंगे मैं गोली नहीं चलाऊंगा। बट आई वॉन्ट लेट यू इन, स्टैंड आउटसाइड एंड टॉक, लेकिन मैं तुम्हें अंदर आने नहीं दूंगा, बाहर ही खड़े होकर बात करो। द थ्री माउंटेड द लास्ट स्टेप एंड इट वाज जस्ट आउट एट द डोर, तीनों आखिरकार आखिरी सीढ़ी पर चढ़ गए और बिल्कुल गेट के सामने चिपक कर मतलब खड़े हो गए। अब वो देख रहा था चिंक से तीनों को। वेल जेंटलमैन, व्हाट्स द ऑफर, बताओ जरा क्या पेशकश लेकर आए हो तुम। अ सेफ कंडक्ट टू द फ्रंटियर एंड 50,000 पाउंड्स इंग्लिश, बहिफाजत तुम्हें सरहद पहुंचा देंगे हम, गेस्ट है, और 50,000 बरतानवी पाउंड तुम्हें हम देंगे, ये सारा ड्रामा तुम खत्म कर दो, यहां से चले जाओ अपने मुल्क और हमें अपने मसाइल को सुलझाने दो। ये तुम बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाले केस हुआ हुआ कि तुम इंग्लैंड से आके यहाँ पर बिला वजह हमारे मामलों में टांग अड़ा रहे हो, कि ड्यूक माइकल किंग रोडोल्फ का मामला है, तुम यहाँ से चले जाओ। गिव मी अ मिनट टू कंसीडर, उसने कहा कि ठीक है मैं मुझे सोचने दो एक मिनट। आई टर्न टू एंटोनी, मैं इंटरनेट की तरफ मुड़ा और मैंने कहा स्टैंड अप क्लोज टू द वॉल आउट ऑफ द लाइन ऑफ फायर फ्रॉम द डोर। आई ऑब्वियस, बट मैंने कहा दीवार के साथ चिपक के खड़े हो जाओ ताकि लाइन ऑफ फायर में तुम ना रहो, क्योंकि मतलब गेट खुलेगा तो गोली सिर्फ सीधी चलती है, तिरछे में नहीं चलेगी। उसने बोला कि तुम दीवार के साथ चिपक जाओ, तो दीवार के साथ चिपक जाते हैं ना जब कोई गोलियां वगैरह चल रही होती है, तो क्योंकि गोलियां नॉर्मली दीवार पर टच नहीं करती, सीधी जा रही होती है। आई टुक अप द लिटिल आयरन टेबल, मैंने क्या किया, छोटा टेबल जो रखा हुआ था लोहे के टेबल वो मैंने उठा लिया। तो ये टी टेबल इंसिडेंट, इसीलिए उसको हम कहते हैं, समर हाउस इंसिडेंट के नाम से भी है और टी टेबल इंसिडेंट के नाम से भी है चैप्टर। मेड अ कंप्लीट स्क्रीन फॉर माई हेड एंड बॉडी, और टेबल को उठा के मैंने अपने सामने रख दिया, किस तरह से क्या शील्ड बन गए मेरी बॉडी और मेरे सर के लिए। आई ड्रू बैक एज फार एज आई कुड फ्रॉम द डोर, मैं पीछे हट गया जितना पीछे हो सकता था दरवाजे से, मैं उतना पीछे हट गया। देन आई कॉल्ड आउट, फिर मैंने पुकारा उसे कि भाई दरवाजा तुम खोल सकते हो। इट ओपन्स आउटवर्ड से डाई, मैंने कहा बाहर की तरफ दरवाजा ये खुलेगा। आई विल ओपन इट, क्रैट डिचार्ड, डिचार्ड कहते हैं ठीक है मैं खोल लेता हूँ। डिचार्ड दरवाजा खुलता है, अब वो ऑन वो तो चाबी घुमाता है दरवाजा खरखर खोल देता है। जब दरवाजा खुलता है थ्री शॉट्स रैंग आउट एंड पैटर्न इन टू माई शील्ड, तीन गोलियां ठाए 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 तीन गोलियां चलती हैं और तीनों गोलियां आकर मेरी शील्ड पे जाकर टकरा जाती है, जो आयरन टेबल होता है उस पर जाकर टकरा जाती है। अनदर मोमेंट एंड आई लिप्ट आउट एंड द टेबल कॉट देम, डिकॉटेड एंड पर्सन इन ले लाइक मैन स्टैंड, मैं क्या करता हूँ मैं दौड़ते हुए आता हूँ और दौड़ते हुए आता हूँ लेकर और वो टेबल उनके ऊपर फेंक देता हूँ, वो तीनों नीचे गिर जाते हैं सीढ़ियों से छह स्टेप नीचे तीनों के तीनों। डिकॉटेड एंड पर्सन इन ले लाइक मैन स्टैंड, डिकॉटेड पर्सन इन वो बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाते हैं, डिचार्ज वर्ड्स अंदर टेबल, जबकि टेबल के नीचे डिचार्ज होता है, मतलब इधर उधर वो पड़े होते हैं बाकी टेबल के नीचे लेटा होता है डिचार्ज, उसके ऊपर टेबल होता है नीचे। I raised my revolver and took a snapshot. मैं रिवॉल्वर निकालता हूँ और उसको गोली मारता हूँ। I heard him curse. मैं सुनता हूँ मुझे कोसता है, मतलब गोली शायद उसको लग जाती है और मुझे कोसता है। And then I ran like a hare. फिर मैं खरगोश की तरह वहाँ से दौड़कर बाहर निकलता हूँ। एक को मारता बस। मतलब उसने जो है वो तो फेंक दिया ना, वो मतलब उसमें गिर तो तीनों गए और गोली सिर्फ एक को मारा, चूंकि एक वक्त में एक ही को मार सकते हैं ना, रिवॉल्वर थी उसके पास तो नहीं निकल सकते ना, टाइम लगता है उसको लोड कर रहे हैं, तो वो एक को मारने के बाद गोली वहां से भागता है, फरार होता है। प्लीज गॉड सेड आई, शी टोल्ड मी द ट्रूथ अबाउट द लैडर, बराए मेहरबानी खुदा काश उसने मुझे सच बताया उस सीढ़ी के बारे में। फॉर द वॉल वॉज हाई एंड टॉप विद आयरन स्पाइक, क्योंकि दीवार काफी ऊंची थी और जो है ऊपर आयरन स्पाइक लोहे के कीले लगी हुई थी उसके ऊपर। यस देयर इट वॉज, आई वॉज अप एंड ओवर इन अ मिनट, हाँ वहां पर शुक्र है मौजूद थी जो सीढ़ी मौजूद थी, मैं ऊपर चढ़ गया सीढ़ी के
देन आई हर्ड अ शॉट, इट वाज सेफ। फिर मैंने गोली की आवाज़ सुनी, सेफ की आवाज़ थी, सेफ गोलियां चला रहा था। मतलब जब मैं वापस मुड़कर गया ना, तो गेट जो था मौजूद ना, जो गेट था, तो दरवाज़ा मैंने लॉक कर दिया था। तो क्या कर रहा था कि मेन गेट जो ग्राउंड का मेन गेट था, सेट उसको गोली मार कर तोड़ रहा था, क्योंकि उसके अंदर गोली की आवाज़ आई थी। सेट को ऐसा लगा कि शायद अंदर रजनाइल की उसकी ज़रूरत है, तो मैं उसके पीछे से आ गया, क्योंकि वो पीछे से आ गया ना रास्ते बाउंड्री वॉल के। तो वो देखा कि वो गोली मार रहा है उस पर, उसको लग रहा है कि अंदर होगा वो। कम होम टू बेड ओल्ड चैप, आई हैव गॉट द फाइनेस्ट टी टेबल स्टोरी टू दैट एवर यू हर्ड, वो कहता है। उसको पीछे हाथ रखते और कहता है, आओ चलो घर सोने चलते हैं बूढ़े आदमी, मैं तुम्हें आज एक बहुत शानदार चाय के मेज़ की कहानी सुनाने वाला हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ अंदर। तो और फिर कहते हैं कि दैट आई अनबली केप्ट माय वर्ड, कि कहते हैं कि मैंने अपने वादे का पास रखा। आप सब याद रखें, मतलब मैंने अपने वादे का पास रखा, जब तक उन्होंने गोली नहीं चलाई मैंने गोली नहीं चलाई। तो पहली गोली उनकी तरफ से चली थी, फिर मैंने गोली मारी, तो क्योंकि उन्होंने अपने वादे का पास नहीं रखा। उन्होंने गोली खोलते साथ गेट गोली चला दी, जबकि उसने पेशकश कबूल कर लिया था और उसने बोला था ठीक है भाई खोल दो अब गेट, लेकिन उसे गोली चलाने नहीं चाहिए, बट ढूंढे थे तो वो तो किसी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, न्यू यूज़ फॉर अ टी टेबल। पेपर में आता ना कि व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग जो है वो मोमेंट ऑफ द नॉवेल यू लाइक, तो ज़्यादातर आंसर्स में नोट्स में ये लिखा होता है, टी टेबल इंसिडेंट या समर इंसिडेंट लिखा होता है, क्योंकि उसमें काफ़ी बहादुरी दिखाई थी एंड एक हीरोइज़म दिखाई थी। अकेले सिंगल हैंडेडली तीन लोगों को, एक साथ गुंडों को उसने मदद चखाया और भाग के भी निकल गया वहाँ से, ठीक है। तो नेक्स्ट से एक और चैप्टर डिस्कस करें, चैप्टर 10, दैट विल बी द लास्ट चैप्टर टू कवर, अ ग्रेट चांस फॉर अ विलन, विलन के लिए एक बेहतरीन मौका। अच्छा, विलन से मुराद यहाँ पर रिजल्ट आए इस चैप्टर में, मतलब अभी आगे पता लगेगा क्यों है, मैं आपको जब ये चैप्टर आऊंगा ना पॉइंट पर तो मैं बताऊंगा अ ग्रेट चांस फॉर अ विलन क्यों कह रहे हैं। क्या नहीं नहीं वो तो बच गए ना, वो तो दैट सी बात है, वो तो बच गए ना, उसको तो मारना भी नहीं था ना उनको, वो मारना चाह रहा था रजन डायल को, तो भाग के फरार हो गया, मोबाइल को मार के क्या करेंगे। लेकिन ये उनको पता लग गया कि मोबाइल का बचाने में जो है वो हाथ है उसको। कैसे पता लग गया? वो तो तीनों को पता लग गया, सिंपल सी बात है, तीनों को ये बात पता लग चुकी है ना कि उनको बचाने में हाथ है, सीढ़ी वगैरह जो उसको बताई वो उससे भाग गया वहाँ से, ये सारी चीज़ों में इसको अंदाज़ा हो गया। अब आगे पता लगेगा किस तरह से और चीज़ें आगे आएंगी, तो वो तो मामला भी वहाँ पर ख़त्म हो गया। It was the custom of that the prefect of the police should send every afternoon a report to me on the condition of the capital and the feeling of the people. Stelso police ka prefect jo tha, uski ek rism aur rivaj tha ki wo hamesha rozana dopahar ke waqt mujhe ek report la kar deta tha darul hukumat ke halat ke bare mein aur logon ke ehsasat ke bare mein. The document included also an account of the movements of any persons whom the police had received instructions to watch. Us document mein ek उन ऐसे लोगों के हरकत और सकनात के बारे में भी तस्करा होता था जिसके बारे में पुलिस को इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि भाई आप उनको वॉच उन पर रखो, नज़र रखो। तो हर दोपहर को आकर पुलिस वाले मुझे एक रिपोर्ट देते थे कि फला फला लोगों पर नज़र रखने आपने बोला था, तो ये लोग यहाँ यहाँ मूव कर रहे हैं। आई फाइंड दिस फर्स्ट ही सेड, हिज हाईनेस द ड्यूक ऑफ स्टेल्सो लेफ्ट द सिटी। पहली खबर तो ये थी उसके अंदर कि ड्यूक माइकल स्टेल्सो छोड़कर अब जा चुके हैं, स्टेल्सो छोड़कर जा रहे हैं। हिज डेस्टिनेशन इज बिलीव टू बी टू कैसल ऑफ जेंडा, और लग रहा है कि अब वो कैसल ऑफ जेंडा जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो प्लान फेल हो गया उनका कि रजनडाइल को मारने का, क्योंकि एक प्लान बनाया तो था बट ड्यूक माइकल का वो प्लान फेल हो चुका है। मैडन इवोबान डिगॉटेड बर्सोनिन एंड डिचार्ड फॉलोड एन आवर लेटर द लास्ट नेम कैरिंग हिज आर्म इन अ स्लिंग। मैडन इवोबान डिगॉटेड बर्सोनिन एंड डिचार्ड वो एक घंटे बाद यहाँ से रवाना हुए, मतलब माइकल के जाने के घंटे बाद रवाना हुए, और जिसका नाम आखिरी में लिया गया डिचार्ड, उसके हाथ में पट्टी बंधी थी स्लिंग, क्योंकि उसको जो गोली मारी है ना रजनडाइल ने कल रात को, तो वो गोली उसके शोल्डर पे जाकर लग गई है ना, तो उसने अपने हाथ पट्टी बांधी हुई, गले से उसने लटकाया हुआ अपने हाथ को स्लिंग की सूरत, ठीक है। तो वो ये भी रिपोर्ट में आया कि उसने हाथ जो है वो उस तरह से मतलब बांधा हुआ है। द कॉज ऑफ हिज वॉन्ड इज नॉट नोन बट इट इज सस्पेक्टेड दैट ही हैज फाउट अ ड्यूल प्रोबेबली इंसिडेंटल टू अ लव अफेयर। चोट कैसे लगी है रिचार्ड को ये कोई भी नहीं जानता, लेकिन ये शक किया जा रहा है उसने को ड्यू लड़ी है शायद किसी लव अफेयर के मामले पर, जिसकी वजह से चोट लगी है। पुलिस भी नहीं जानती कि क्या हुआ कल रात में, और तो जबकि रजनडाइल को पता है कि उसने खुद गोली मारी उसको रिचार्ड को। दैट इज रिमोटली ट्रू, आई ऑब्जर्व वेरी वेल प्लीज टू फाइंड दैट आई हैड लेफ्ट माई मार्क ऑन द फेलो। फिर मैं कहता हूँ हाँ ये बात सच है, फिर मैं सोचता हूँ कि बहुत खुश होता हूँ मैं सोच कर कि मैंने अपने दोस्त या मैंने अपने दुश्मन के जिस्म पर निशान छोड़ दिया आखिरकार, गोली लगी है उसको और वो हाथ बांधा हुआ है पट्टी में उसने, तो मैं खुश होता हूँ कि चलो मेरी निशाना सही लगा उसको। देन वी कम टू दिस परशूट सेप, सेप कहते हैं फिर हम इस खबर तक आते हैं। मैडन इवोबान हुज मूवमेंट्स हैव बीन वॉच्ड अक्रॉस
अकॉर्डिंग टू डेस्टिनेशन लेफ्ट बाई ट्रेन एट मिड डे शी टुक अ टिकट फॉर ड्रेसडन। मैंडेटरी मुमान जिनकी हरकत तो सकनात के बारे में भी कहा गया था पता रखने के लिए, वो भी जो है वो छोड़कर जा चुकी हैं शहर और उन्होंने ड्रेसडन का टिकट लिया है। एंड द ड्रेसडन ट्रेन स्टॉप एट जेंडा, और ड्रेसडन की ट्रेन जेंडा पर स्टॉप होती है। अच्छा अब इसको समझने की चीज़ है यहाँ पर ज़रा। माइकल चला गया ठीक है और बाकी तीन लोग भी चले गए। डिचार्ड की हाथ पट्टी बंदी हुई है, वो सब के सब इस तरह झंडा में शिफ्ट हो रहे हैं सारे विलन। ये सब न्यूज़ पे प्रीफेक्ट ऑफ पुलिस बता रहे हैं, चूंकि इन सब की इंस्ट्रक्शन थी कि इन सब पर वॉच रखा जाए, नजर रखा जाए। मैंडेटरी वुमैन वो अब वो इन सब मामलों से निकलना चाह रही है, वो कहाँ जाना चाह रही है, वो डायरेक्ट उन्होंने टिकट लिया ड्रेसडन का। ड्रेसडन आप जानते हैं बॉर्डर सिटी बिटवीन रूरिटानिया एंड जर्मनी। वो ड्रेसडन से चलेंगे वो कहाँ, पेरिस, जिनका अपना शहर है पेरिस में रहती है ना, फ्रेंच है मैडेडी वुमैन। लेकिन आपको पता है डायरेक्ट आप स्टेल्सो से ड्रेसडन नहीं जा सकते, स्टेल्सो से जेंडा, जेंडा से ड्रेसडन जाना होता है, रूट यही है ना। तो स्टेल्सो की ट्रेन जेंडा पे रुकती है, तो जेंडा में क्या होगा कि ड्यूक माइकल उसको किडनैप करवा लेगा मैडेडी वुमैन को, चूंकि उसने उसको धोखा दिया, उसने जो है रास पास कर जिसकी वजह से रिजेंटाइल बच निकला है, तो उसको आखिरकार कैद कर लेगा कैंसिल ऑफ जेंडा में, जो उसको आगे हम डिस्कस करेंगे जाकर ठीक है। तो ये मैडेडी वुमैन अगरचे यहाँ से बच कर निकलना चाह रही है लेकिन शायद वो अब निकल नहीं पाएंगी, चूँकि जाहिर सी बात है रिजल्ट आई, चूँकि अगर वो सब कुछ पहले ही कल की अगर जो कहानी हुई है अगर वो पहले ही रिजल्ट आई निकल चुका होता ना शूटिंग लॉज से वो समर हाउस से तो फिर मामला कुछ नहीं होता, वो बोल देते कि भाई वो आ ही नहीं था यहाँ पर। लेकिन चूँकि डिचार्ड वगैरह ने उसको देख लिया ना, तो अब ये मामला हो गया ऐसा कि ड्यूक माइकल को सारी चीज़ें पता लग गई है, तब क्या हो सकता है कि भाई वो अब वो फंसने के डर से वो निकलना चाह रही है सारे मामला से, लेकिन अब उसको जो है ड्यूक माइकल किडनैप करवा लेगा जेंडा में जहाँ पर ट्रेन रुकेगी। उसके बाद मारेगा नहीं वो उसको कैद कर लेगा, आगे हम डिस्कस करेंगे उसके बाद क्या होता है फिर, तो वो क्लाइमेक्स है सस्पेंस की बात, तो अभी नहीं बताऊंगा मैं क्या होने वाला है आगे। द स्टेट ऑफ फीलिंग इन द सिटी इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, और ये खबर जो अगली खबर है कि लोगों के एहसास अच्छे नहीं है, तसली बख्श नहीं है शहर में। द किंग इज मच क्रिटिसाइज, बादशाह पर बहुत तंकीद की जा रही है। भाई क्यों तंकीद की जा रही है, फॉर टेकिंग नो स्टेप्स अबाउट हिज मैरिज, क्योंकि वो अपनी शादी के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा, क्योंकि लोग तो गुस्से में है कि बादशाह शादी को नहीं कर रहा अपने भी से। फ्रॉम इंक्वायरीज अमंग द एंटोरेज ऑफ द प्रिंसेस फ्लेविया, हर रॉयल हाइनेस इज बिलीव टू बी डीपली ऑफेंडेड बाय द रेमिसनेस ऑफ हिज मेजेस्टी। हमने इंक्वायरी करवाई है प्रिंसेस फ्लेविया के खास खादिमों से कि शहजादी फ्लेविया बहुत ज़्यादा रंजीदा है, चूँकि हर मेजेस्टी बादशाह ने उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया कुछ दिनों से, वो मिलने भी नहीं जा रहे, उनसे बातचीत भी नहीं कर रहे। हाँ रजेंट आई मतलब किंग रोडोल्फ ही समझते हैं लोग, तो मतलब हमारे लिए रजेंट आई है वो। द पीपल आर कपलिंग हर नेम विद द ड्यूक ऑफ स्टेल्सो, और लोग अब फ्लेविया का नाम किंग ड्यूक माइकल के साथ जोड़ रहे हैं। एंड द ड्यूक गेन्स मच पॉपुलरिटी फ्रॉम दिस सजेशन, और इसकी वजह से ड्यूक माइकल को ज़्यादा मशहूरियत मिल रही है इस वजह से। आई हैव कॉज द अनाउंसमेंट दैट द किंग गिव्स अ बॉल टू नाइट इन ऑनर ऑफ द प्रिंसेस टू द टू बी वाइटली डिफ्यूज एंड द इफेक्ट इज गुड। सेफ कहता है भाई मैंने ऐलान तो करवा दिया है कि बादशाह आज रात एक बॉल देने वाले हैं शहजादी फ्लेविया को, और ये मैंने खबर पूरे स्टाइल से मैं फैला दिया है, उसका असर अच्छा निकला है ना। व्हाट इज अ बॉल, बॉल से मतलब यहाँ पर गेंद नहीं है, बॉल इज एक्चुअली अ डांस सेरेमनी, रक्स की तकरीब जो होती है ना उसको बॉल कहा जाता है ठीक है। दिस इज अ डांस सेरेमनी, आपने देखा होगा सिंड्रेला वगैरह में कार्टून्स में दिखाते हैं ना कि वो डांस सेरेमनी पूरी होती है, लोग नाच रहे होते हैं महल के अंदर, उसको बॉल कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि मैंने बॉल एक अरेंज किया है कि और शहजादे फ्लेविया के शान में, ताकि बादशाह सलामत जो है वो फ्लेविया के साथ डांस करे, ताकि लोग देखकर कहें कि भाई इनके बीच अब भी मोहब्बत बाकी है। तो ये सेफ ने ये अरेंज किया बॉल, ताकि ये जो लोग जोड़ रहे हैं ना ड्यूक माइकल के साथ नाम फ्लेविया का, वो नाम ना जोड़े, समझा रही बात। सेफ टर्न टू मी एंड सेड इन अ शार्प डिसाइसिव वॉइस, सेफ मेरी तरफ मुड़ा और एक बड़े तेज और फैसलाकुन लहजे में कहा, यू मस्ट मेक लव टू हर टू नाइट, यू नो आज रात तुम्हें लाजमी उसको अपनी मोहब्बत दिखानी है। आई थिंक इट वेरी लाइकली आई शैल इफ आई सी हर अलोन, मैंने कहा मुझे लगता है कि शायद मैं दिखा सकूँगा अगर मुझे वो अगर मुझे अकेले उससे बात करने का मौका मिला तो मैं उससे अपनी मोहब्बत दिखा सकूँगा। फ्रिट्स विसल्ड अ बार और टू देन ही सेड, फ्रिट्स क्या करता है सिटी बजाता है एक दो बार, फिर कहता है यू विल फाइंड इट ओनली टू ईजी, तुम्हारे लिए तो बहुत आसान हो गई है। लुक हियर आई हेट टेलिंग यू दिस बट आई मस्ट, द काउंटेस हेल्गा टोल्ड मी दैट द प्रिंसेस हैड बिकम मोस्ट अटैच टू द किंग सिंस द कॉरोनेशन, हर फीलिंग्स हैव अंडरगॉन अ मार्क डेवलपमेंट, इट्स क्वाइट ट्रू दैट शी इज डीपली वॉन्टेड बाय द किंग्स अपेरेंट नेग्लेक्ट। सुनो मुझे नफरत हो रही है तुम्हें बताते हुए, फ्रिट्स कहता है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा लाजमी, काउंटेस हेल्गा जो उसकी लवर है
वो कह रही है काउंटेस एल्गा ने मुझे बताया है कि शहजादी बहुत अटैच हो गई थी बादशाह से कॉरोनेशन सेरेमनी के बाद, उनकी फीलिंग्स बहुत बढ़ चुकी थी बादशाह के लिए। और ये भी सच है कि बादशाह ने अब जो उन्हें नज़रअंदाज कर दिए इतने दिनों से, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी रंजीदा है, दिल टूट गया उनका। सेफ ने कहा आई सपोज यू हैव मेड प्रीची स्पीचेस टू अ गर्ल बिफोर नाउ, दैट्स ऑल शी वॉन्ट्स। सेफ कहता है रजन डायल से, मुझे लगता है इससे पहले भी तुमने किसी लड़की से कोई प्यारी प्यारी बातें की होंगी। भाई तो वो चाहती है कि तुम उससे भी कर लो, तो थोड़ा ड्रामेबाज तुम उसमें कर लोगे तो क्या होगा कि इससे फीलिंग्स फ्लेविया की अच्छी हो जाएंगी। ये सब कह रहा है उससे, ठीक है। अच्छा, इफ द किंग वर रिस्टोर्ड द प्रिंसेस मस्ट टर्न टू हिम ईदर नोइंग और नॉट नोइंग द चेंज, एंड इफ द किंग वर नॉट रिस्टोर्ड टू अस इट वॉज अ सब्जेक्ट दैट वी हैड नेवर येट स्पोकन ऑफ, बट आई हैड एन आइडिया दैट इन सच अ केस सेप मेंट टू सीट मी ऑन द थ्रोन ऑफ ब्रिटानिया फॉर द टर्म ऑफ माई लाइफ। सोचता है रजन डायल कि अगर बादशाह को बहाल कर दिया गया तो शहजादी उसकी तरफ चली जाएगी, शायद उसको फ़र्क पता लगे या शायद ना पता लगे उसको फ़र्क। और अगर बादशाह को बहाल नहीं किया गया, ये वो मौजू था जिस पर अब तक हमने बात नहीं की थी, लेकिन मेरा ख्याल था कि अगर ऐसा हुआ तो सेट मुझे रूरेटानिया के तख्त पर ज़िंदगी भर के लिए बैठा देगा, क्योंकि वो बोल चुका था ना कि ड्यूक माइकल को तुम नहीं बनने देंगे बादशाह, बोले तुम बन जाओ बादशाह हमेशा के लिए। द बॉल वॉज अ सम्प्टियस अफेयर, जो डांस सेरेमनी थी वो एक शानदार तकरीब थी। आई ओपन्ड इट बाय डांसिंग क्वाड्रिल विद फ्लेविया एंड आई वॉल्ट्ज़ विद हर, मैंने शुरू किया इस तकरीब को फ्लेविया के साथ क्वाड्रिल डांस करके, उसके बाद मैंने उसके साथ वॉल्ट्ज़ किया। अच्छा, देयर आर टू डांसेस ना, डांस की टाइप्स है, चूंकि ये इंग्लिश कल्चर में होता है क्वाड्रिल। क्वाड्रिल कैसे कहते हैं, क्वाड मतलब होता है चार, क्वाड्रिल क्या होता है उसमें वो स्क्वायर में डांस होता है, आपने देखा होगा वो दो कपल्स उसके अंदर होते हैं, मतलब के टू मेल एंड टू फीमेल, इस तरह होता है कि वो चार होता है ना, चार कॉर्नर होते हैं इस तरह से ना, एक वन टू थ्री फोर, अब ये चारों आपस में डांस करते हैं इधर उधर ज्योमेट्रिकल पैटर्न बना रहे होते हैं, क्वाड्रिल उसको हम कहते हैं। कभी ये यूँ जाते हैं, कभी ये यूँ जाते हैं, कभी यूँ क्रॉस करते हैं, कभी यूँ क्रॉस करते हैं। पुराने वक्तों में क्लासिकल डांस है काफ़ी अंग्रेज़ों का क्वाड्रिल, हाँ कपल्स होते हैं, दो कपल्स टोटल इसके अंदर होते हैं, जिसमें क्वाड्रिल के अंदर दो कपल्स चाहिए होते हैं। उसके बाद एक वॉल्स डांस होता है, वॉल्स क्वार्टर के अंदर वॉल्स किया, कह रहे हैं कि वॉल्स टॉन्स इसके बाद मैंने फिलीपी के साथ किया। वॉल्स सिंगल सिंगल होता है, मतलब ना सिंगल कपल में डांसिंग होती है इसके अंदर वॉल्स के अंदर, वो आपने देखा वो पुराने ज़मानों से वो चलता आ रहा है ये भी ना, वो उसको घुमाते रहते चक्कर आ जाता उसमें, मतलब लड़की को बना देता लट्टू उसमें ऐसा, वो पुराने ज़मानों में उसको वॉल्स कहते हैं, पता नहीं है, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट अंग्रेज वगैरह को मैंने देखा है किस तरह से वो करते हैं डांस, इस तरह से वॉल्स उसको कहते हैं, तो वो सिंगल सिंगल में होता है, देखा है ना वो इस तरह से। तो पुराने वक्तों में क्लासिकल बारबी वगैरह में दिखाते हैं कार्टून्स वगैरह में इस तरह के डांस वगैरह के बारे में। तो मैं उसके साथ क्वाड्रिल डांस किया पहले फ्लेवर के साथ, फिर वॉल्स डांस किया, वी वेंट इनटू अ सपर, उसके बाद हम देर रात का खाना हमने खाया। आई सॉ सेफ स्माइलिंग ओवर हिज वाइन एंड फ्रिट्स फ्रोनिंग, मैंने देखा सेफ मुस्कुरा रहा था अब शराब पीते हुए, और फ्रिट्स की जो है वो माथे पर शिकन मौजूद थी, चूंकि फ्रिट्स जो है ना सेफ है अकलमंद बंदा, सेफ को पता है कि रजन डायल को जो है वो मोहब्बत शो करनी पड़ेगी फ्लेविया से, लेकिन फ्रिट्स एक जवान शख्स है थोड़ा जोशीला टाइप का, और वो नहीं चाहता कि रजन डायल जो है फ्लेविया से अटैच हो सके, चूँकि वो जाहिर सी बात है मंगेतर वो है बादशाह की, रजन डायल की थोड़ी नहीं, तो वो हमेशा से उसकी वो चलता है, वो कहता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब मिले नहीं आपस में ये दोनों। सेफ कहता नहीं मिलना भी ज़रूरी है वरना उसको शक हो जाएगा कि असली बादशाह नहीं है, तो दोनों में थोड़ा सा तजाद है सेफ और फ्रिट्स में। द रेस्ट ऑफ द मील पास्ड इन साइलेंस, बाकी सारा खाना खामोशी से कट गया, नीदर फ्लेविया नॉर आई कुड स्पीक, ना फ्लेविया ने कुछ कहा ना मैंने कुछ कहा। फ्रिट्स टच मी ऑन द शोल्डर एंड आई रोज गेव हर माई आर्म एंड वॉक डाउन द हॉल इन टू अ लिटिल रूम वेयर कॉफी वाज सर्व टू अस। फिर मैं खड़ा हुआ और मैंने जो है वो अपना बाजू इस तरह से ना हाथ में हाथ डालते हैं इस तरह से, फ्लेविया को हमने अपने साथ लिया और हम चले गए हॉल में एक छोटे कमरे में वेयर कॉफ़ी वाज सर्व टू अस, जहाँ पर कॉफ़ी दी गई हमें। द जेंटलमैन एंड लेडीज इन अटेंडेंस विथड्रू एंड वी वर अलोन, तो उसके बाद हो गया ना वो ताली बजाते हैं तखलिया कहते हैं, तखलिया जब उसने बोला तो तमाम खवातीन और वहाँ पर जो भी मर्द हजरात थे मौजूद थे वो सब वहाँ से रुखसत हो गए और आखिरकार फ्लेविया और रजन डायल अकेले रह गए, क्योंकि उसने बताया था कि मैं उसे मोहब्बत उस वक्त शो करूँगा जब मुझे कोई मौका मिलेगा इस तरह से ना लोनलीनेस का अकेलेपन का। द लिटिल रूम हैड फ्रेंच विंडोज ओपनिंग ऑन द गार्डन्स, उस छोटे से कमरे में फ्रेंच विंडो लगे थे और जो खिड़की जिसकी खुल रही थी गार्डन की तरफ। फ्रेंच विंडो किसे कहते हैं, आपने देखा होगा कि पुराने ज़मानों में महल वगैरह में इस तरह के जो है ना वो खिड़कियाँ होती थी,
मतलब काफ़ी बड़े साइज की खिड़कियाँ होती थी और इस तरह विंडोज़ डिफरेंट सारे विंडोज़ लगे होते थे छोटे छोटे और हर विंडो अलग खुल सकता था। पुराना फैशन, अब नहीं होते ऐसी खिड़कियाँ, उसको फ्रेंच विंडोज़ कहते थे कि वो यहाँ ये इस तरह से हर तरफ से जो है वो ये छोटे छोटे विंडो बहुत सारे लगे होते थे, तो 3, 4, 5, 10 विंडो आप खोल सकते थे। तो उसको तो फ्रेंच विंडोज लगे थे जो गार्डन पर खुल रहे थे। द नाइट वॉज फाइन कूल एंड फ्रेग्रेंट, रात बड़ी ठंडी थी, शानदार थी और खुशबूदार थी। फ्लेविया सेट डाउन आई एंड आई स्टूड अपोजिट हर, फ्लेविया बैठी हुई थी और मैं उसके अपोजिट खड़ा हुआ था। आई फॉरगॉट द किंग इन जेंडा, आई फॉरगॉट द किंग इन स्टेल्सो, मैं जेंडा में मौजूद बादशाह को भूल गया, मैं स्टेल्सो में मौजूद बादशाह को भूल गया। शी वॉज अ प्रिंसेस एंड आई एम एन इम्पोस्टर, वो एक शहजादी थी और मैं एक दगाबाज था, धोखेबाज था, मतलब जिसको दगा धोखेबाजी करनी थी ना एक तरह से देखा जाए तो, धोखाधड़ी करनी थी, मोहब्बत दिखानी थी, झूठी मोहब्बत उसको। आई थ्रू माई सेल्फ ऑन माई नी एंड सीज हर हैंड इन माइंड, मैं घुटने के बल बैठ गया ठीक है और उसके जो है वो हाथों को गिरफ्त में लिया। आई सेड नथिंग, वाई शुड आई, मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे क्यों कुछ कहना चाहिए था। शी पुश्ड मी फ्रॉम हर, वो पीछे हटती है और कहती है इज इट ट्रू और इट इज़ लाइक दैट यू मस्ट डू इट, क्या ये सच है, यही तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो कि ऐसा ज़रूरी है। तो फिर मतलब कि ये तुम मतलब मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ या तुम बादशाह और मैं मलका हूँ इस वजह से तुम मुझे मोहब्बत दिखाना चाह रहे हो। तो मैंने कहा आई लव यू मोर देन लाइफ और ट्रूथ और ऑनर, मैंने कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ ज़िंदगी से ज़्यादा, सच्चाई से ज़्यादा और इज्जत से ज़्यादा। शी केम क्लोज टू मी एंड विस्पर्ड, वो मेरे नज़दीक आती है और सरगोशी करती है। ओ इफ़ यू वर नॉट द किंग देन आई शो यू हाउ आई लव यू, हाउ इज इट इज़ दैट आई लव यू नाउ रुडोल्फ, कहती है फ्लेविया। ओ अगर तुम बादशाह नहीं होते तो फिर मैं तुम्हें बताती मैं कितनी मोहब्बत तुमसे करती हूँ, कितनी मोहब्बत अब मैं तुमसे करती हूँ रुडोल्फ। नाउ रजेंडाइल कहता अब, यस जस्ट लेटली आई नेवर डिड बिफोर, हाँ हाँ बिल्कुल अभी, इससे पहले मैंने तुमसे कभी मोहब्बत नहीं की। प्योर ट्रियम्फ फिल्ड मी, रजेंडाइल कहता है कि खास खालिस जीत की खुशी मेरे अंदर भर गई। इट वॉज आई रुडोल्फ रजेंडाइल हु हैड वॉन हर, यह मैं था रुडोल्फ रजेंडाइल जिसने जीता था फ्लेविया के दिल को। बादशाह रेड़े ही उसे कहा कि अभी अभी मुझे मोहब्बत हुई है, मतलब किंग रुडोल्फ से नहीं रजेंडाइल से हुई है। यू डिडंट लव मी बिफोर आई आस्क्ड, मैंने पूछा उससे दोबारा ना, क्या तुमने इससे पहले मुझसे मोहब्बत नहीं की। शी लुक्ड अप इनटू माय फेस स्माइलिंग एंड शी व्हिस्पर्ड, उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा मुस्कुराते हुए सरगोशी की। इट मस्ट हैव बीन योर क्राउन, आई फेल्ट इट फर्स्ट ऑन द कोरोनेशन डे, शायद तुम्हारे ताज की वजह से मुझे तुमसे मोहब्बत हुई है, मुझे पहली बार ये मोहब्बत ताजपोशी वाले दिन फील हुई। देखो उसी दिन ये बंदा चेंज हुआ, ताजपोशी की रस्म भी चेंज हुई ना। नेवर बिफोर आई आस्क्ड दी गर्ल, मैंने फिर पूछा तो इससे पहले कभी मोहब्बत नहीं की तुमने मुझसे। शी लाफ्ड, वो हंसते हुए कहती है यू स्पीक एज इफ यू वुड बी प्लीज टू हियर मी से यस टू दैट, तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं बार बार हाँ बोलेंगे तो तुम्हें खुशी मिलेगी। वुड यस बी ट्रू, रजेंडाइल पूछते क्या हाँ कहना सच होगा, क्या तुम्हारी हाँ ये सच है इस हाँ में। बी केयरफुल रुडोल्फ, बी केयरफुल डियर, ही विल बी मैड नाउ, वो कहती है तुम मोहतात रहना रुडोल्फ, मोहतात रहना, अब ड्यूक माइकल पागल हो जाएगा। इफ आई वर नॉट द किंग आई बिगेन, इफ आई वर ओनली अ प्राइवेट जेंटलमैन, वो कहता है फ्लेविया से, अब वो जज्बात में आ गई, अब सुनो कहता है अगर मैं बादशाह नहीं होता, अगर मैं सिर्फ एक आम इंसान होता फ्लेविया तो क्या तुम तब भी मुझसे मोहब्बत करती। बिफोर आई कुड फिनिश हर हर हैंड्स फॉर स्माइल, इससे कह पहले कि मैं अपनी बात खत्म कर दूँ उसके हाथ मेरे हाथों में था। इफ़ यू वर अ कॉन्विक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ स्टेल्स यू वुड बी माई किंग, शी सेड, उसने कहा अगर तुम फ्लेविया कहती है अगर तुम रजेंडाइल के अगर तुम स्टेल्सो के जेल में एक मुजरिम भी होते तब भी तुम मेरे लिए मेरे बादशाह होते, मतलब मैं तुम्हारी बादशाहत की वजह से तुमसे मोहब्बत नहीं करती हूँ कि अगर तुम अगर तुम मुजरिम भी होते स्टेल्सो के जेल में तब भी तुम मेरे लिए मेरे बादशाह होते। गॉड फॉरगिव मी एंड होल्डिंग हर हैंड इन माइन आई सेड अगेन इफ आई वर नॉट द किंग, खुदा मुझे माफ़ करे, मैंने उसका हाथ थामा और मैंने फिर दोबारा कहा अगर मैं बादशाह नहीं होता तो फ्लेविया आई सेड इन अ स्ट्रेंज ड्राई वॉइस दैट सेम नॉट माई ओन, फ्लेविया मैंने एक ऐसी आवाज़ में कहा ऐसा लगा कि जैसी मेरी आवाज़ नहीं थी, और वो कहना चाह रहा था आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ, अच्छा इसको बोला था आई एम नॉट द किंग, मैं बादशाह नहीं हूँ, मतलब सच्चाई बताने वाला था कि फ्लेविया को। एज आई स्पोक एज शी रेज्ड हर आइज टू मी देयर वाज अ हैवी स्टेप ऑन द ग्रेवल आउटसाइड एंड अ मैन अपीयर्ड टू द विंडो, जैसे ही मैंने ये बोला ठीक है और उसने मेरी तरफ अपनी आंखें उठाकर देखा तो वहां पर बाहर भारी कदमों की आवाज आती है फर्श पर और एक फौरन से एक इंसान खिड़की के सामने आता है। माई हाफ फिनिश सेंटेंस डाइड ऑन माई लिप्स, मेरे आधे मुकम्मल कह लो के जुमले मेरे लबों पर ही मर जाते हैं।
सेफ्ट स्टूड देयर बोइंग लो बट विद अ स्टर्न फ्रोन ऑन हिज फेस. सेफ्ट खड़ा था वहां पर, तो झुक कर अदब से पहले वो झुका, लेकिन उसके माथे पर एक शिकन थी गुस्से वाली. अच्छा मतलब वो सुन रहा था बाहर खड़े होकर चीजों को कि वो क्या बात कर रहा है. A thousand pardons, sire, said he. वो कहता हजारों माफी जनाब. But His Eminence the Cardinal has waited this quarter of an hour to offer his respectful adieu to your majesty. लेकिन कार्डिनल बताते ना कैथेड्रल का जो बड़ा होता है, कार्डिनल इंतजार कर रहे हैं एक घंटे से आपको अलविदा कहने के लिए. I met his eyes full and square and I read in an angry warning. मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक धमकी मौजूद थी. How long he had been a listener? कब से वो सुन रहा था हमें, मैं नहीं जानता था. But he had come in upon us in the nick of time. लेकिन वो ठीक आयन मौके पर वो टपक चुका था यहाँ पे, मेन मौके पर. We must not keep his eminence waiting. मैंने कहा हमें जो है वो अलीजा कार्डिनल को इंतजार नहीं करवाना होगा, क्योंकि वो तो बादशाह से भी ऊपर होता है कि रोमन कैथोलिक्स के लिए तो ऊँचे तो वही है कार्डिनल्स होते हैं, बादशाह से भी ऊपर होते हैं क्योंकि वो मजहब को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस. Enjoy and sorrow in good time and bad. God save your royal highness. सेफ कहता है चिल्लाकर, खुशी में और गम में, अच्छे और बुरे तमाम वक्त में खुदा शहजादे की हिफाजत करे. ये बोलते हैं रुख्सत होते हैं हमेशा शहजादे के सामने. But before all comes the king, God save the king. फिर कहता है, फिर दोबारा कहता है सेफ, लेकिन सबसे पहले आते हैं बादशाह, तो खुदा बादशाह की भी हिफाजत करे. And Flavia caught at my hand and kissed it. Flavia ने मेरे हाथ को पकड़ा, उसको बोसा दिया और बड़बड़ाते हुए बोली, आमीन गुड गॉड, आमीन अच्छे खुदा, आमीन आमीन. अच्छा आमीन जब वो लिखते हैं ना, एम एन लिखते हैं, ए एम ई एन. हम सिंग डबल ई लिखते हैं ना, जो अंग्रेज होते हैं ना वो सिंगल ई से लिखते हैं, एम एन. वो एम एन पढ़ते हैं, एम एन. तो हम लोग आमीन बोलते हैं, वो एम एन बोलते हैं, मतलब कबूल हो कि खुदा कबूल हो. वी वेंट इनटू द बॉल रूम अगेन. हम आखिरकार दोबारा बॉल रूम में आ गए और उसके बाद आखिरकार वो खत्म हो गया सारा मामला. एट लास्ट एट 3 इन द मॉर्निंग, रात के 3 बज रहे थे यहाँ. I was in my dressing room and Sept alone was with me. मैं ड्रेसिंग रूम में था, Sept मेरे साथ मौजूद था. I sat like an amazed dazed. मैं एक हैरानगी के साथ बैठा हुआ था, staring into the fire और आग की तरफ देख रहा था. Fritz was gone to bed. Fritz सोने के लिए जा चुका था, having almost refused to speak to me. और वो बिल्कुल इनकार कर चुका था कि वो मुझसे बात नहीं करना चाहता. The table by me lay a rose. टेबल पर सामने रखा हुआ था गुलाब का फूल. It has been in Flavia's dress. ये फ्लेविया के कपड़े पर था ये फूल लगा हुआ. And as we parted, she had given it to me. और जब मैं रुखसत हो रहे थे वहाँ बॉल सेरेमनी से, तो फ्लेविया ने मुझे ये फूल दिया था गुलाब का. Sept advanced his hand toward the rose. Sept ने अपना हाथ आगे बढ़ाया गुलाब की तरफ. But with a quick movement, I shut mine down upon it. लेकिन फौरन से मैंने क्या किया, मतलब हाथ रख दिया उस गुलाब के फूल के ऊपर. That's mine, I said. Not yours, not the king's either. वो कहता है ये मेरा गुलाब है, तुम्हारा नहीं है, ना ही बादशाह का है. ये फ्लेवर ने मुझे दिया, ये बादशाह को भी नहीं मिला, मतलब ये तो मुझे मिला ये गुलाब. तो मतलब वो इस तरह से क्या कि इसके इस पॉइंट पर क्या हमें फील होता है कि हर्दन टाइल के अंदर एक फीलिंग जो है वो फ्लेवर के लिए क्रिएट हो चुकी है. एंड नाउ दिस इज अ डेंजरस सिचुएशन कि अब कोई कहीं ना कहीं एक जगह पर नाइंसाफी तो होने वाली है, मतलब एक ना एक जगह पर तो नाइंसाफी होगी कहीं ना कहीं. तो ये तो आप भी समझ सकते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि ये चाह तो नहीं रहता, बट दैट इज को कहते ना कि लव इज एन इंटेंशनल थिंग दैट हैपेंस. कि वो उसके दिल में तो नहीं था ये, बट एक चीज़ हो गई उसको, ठीक है. वॉट अबाउट द शायद कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से या नोबिलिटी की वजह से फ्लेविया की, अगर वो शहजादी थी और सारे प्लस पॉइंट्स उनके अंदर थे, तो ये कहने से बात है किसी भी इंसान को हो सकता था. तो ये रजा डायल को उनसे मोहब्बत हो गई. तब क्या होता है कि आई क्राइड, मैं चिल्लाता हूँ, स्ट्रेचिंग आउट माई हैंड्स टू हिम, और उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए, लेट अस गो टू जेंडा एंड क्रश हिज माइकल एंड ब्रिंग द किंग बैक टू हिज ऑन अगेन. आओ जेंडा चलते हैं, ब्लैक माइकल को कुचल देते हैं, अब बादशाह को वापस लेकर आ जाते हैं. मतलब हम मैं और ड्रामेबाजी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको अब ये सब को ही पता है कि उसके दिल में फीलिंग क्रिएट हो चुकी है फ्लेविया के लिए. द ओल्ड फेलो स्टूड एंड लुक्ड एट मी फॉर अ मिनट. बूढ़ा शख्स खड़ा रहा और मुझे देखा एक मिनट तक. एंड द प्रिंसेस, और उसने कहा शहजादी का क्या होगा. आई बोर्ड माई हैंड टू मीट माई हैंड्स एंड क्रश्ड द रोज बिटवीन माई फिंगर्स माई लिप्स. मैं अपने हेड डाउन कर लिया मैंने टेबल पर, ठीक है, दोनों हाथ रख के, और मैंने उस फूल को, गुलाब के फूल को कुचल दिया अपनी उंगलियों से और अपने होठों से, उस गुलाब के फूल को कुचल दिया या उसको तोड़ मरोड़ दिया. आई फेल्ट हिज हैंड ऑन माई शोल्डर. और मैंने जो है वो, मतलब उसके ये साबित करने के लिए, मतलब उसने ऐसा किया कि भाई मेरे लिए मोहब्बत ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो चीज़ ज़रूरी है कि बादशाह को वापस लाना वो ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए उसने फूल को तोड़ दिया. मैंने आखिर देखा कि आखिरकार उसने मेरे शोल्डर पर अपना हाथ रखा. एंड हिज वॉइस साउंडेड हस्की एज ही विस्पर्ड लो इन माय ईयर. और मेरे कान में उसने सरगोशी की भराई हुई अल्फाज में, भराई हुई अल्फाज होते ना जैसे कि थोड़ी रोते हुए अल्फाज में.
Before God, you are the finest helper of them all. But I have been eaten of the king's bread and I am the king's servant. Come, we will go to Zenda. उसने कहा, खुदा की कसम तुम उन तमाम हेल्पर में सबसे बेहतरीन हो। मतलब जहां तक बात की जाती है कि वो जो हेल्पर के अभी जेल पे पड़ा है उससे ज्यादा अच्छे हेल्पर तुम हो, क्योंकि वो तो एक शराबी ड्रंकर्ड इंसान है, उस इररिस्पॉन्सिबल बादशाह है वो, तो कि तुम एक ज्यादा अच्छे हेल्पर हो। लेकिन मैंने बादशाह की नमक खाया है, उसकी रोटी खाई है मैंने, तो मैं उसके साथ गद्दारी भी नहीं कर सकता, ठीक है, और मैं बादशाह का सर्वेंट हूँ, चलो हम चले गए जेंडा उसको बचाने के लिए। एंड आई लुक्ड अप एंड कॉट हिम बाय द हैंड, मैं उसकी तरफ देखता हूँ, उसका हाथ पकड़ लेता हूँ, एंड द आईज ऑफ बोथ ऑफ अस वर वेट, और हम दोनों की आंखों में जो है वो नमी मौजूद थी, दोनों की आंखों में आंसू थे, ठीक है। सो दैट इज़ द इमोशनल चैप्टर, दैट इज द लास्ट चैप्टर, जिसमें हमने बहुत सारी मेन चीज़ों को डिस्कस किया। क्लियर है ये सारी चीज़ें?